शांति चाहिए, पीस चाहिए जीवन में, ये तो समझ आया, लेकिन मिलेगा कहाँ? एक कोई वृद्ध माता जी, उम्र में बहुत बूढ़ी है, और खड़े होकर के मुंबई में, इस भयंदर में खड़े होकर के अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही है। तो वहां से एक दूसरा यात्री निकल के जा रहा था, उसने पूछा कि माता जी क्या बात है, आप कुछ ढूंढ रही हो क्या, कुछ खोया है क्या आपका? बोले हाँ भैया, मेरी ना हाथ की अंगूठी खो गई, सोने की अंगूठी खो गई। अच्छा माता जी, हो सकता आपकी तो उम्र भी बहुत है, चल फिर भी नहीं पा रही होंगी, आँख से भी इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप जरा मुझे बता सकती, मैं आपकी अगर मदद करूँ? बोले हाँ हाँ भैया बिल्कुल करो। तो अच्छा माता जी, कोई आपको ऐसा कुछ आइडिया है कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? घर में अंदर काम कर रही थी तब गिरी थी, या बाहर किसी काम से आई थी तब गिरी थी, कहाँ गिरी थी? तो माता जी उत्तर देती हैं कि एक महीने पहले जब मैं दिल्ली में घूमने गई थी ना, तो दिल्ली में लाल किले पर गिरी थी। राहगीर कहता है, माता जी कैसी बात करती हैं, आपकी अंगूठी गिरी दिल्ली में और आप ढूंढ रही हो मुंबई में, क्या अंगूठी मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती, चाहे जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी अंगूठी खोई ही नहीं है, जहाँ खोई है शायद वहाँ ढूंढोगे तो प्राप्त होगी। वैसे ही शांति वास्तविकता में जहाँ हम ढूंढते हैं, हम क्लब्स में गए, हम पब गए, हम पार्टी गए, हम थिएटर गए, हमें क्या लगा शांति यहाँ मिलेगी, लेकिन वहाँ शांति मिली ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ खोई ही नहीं थी। जहाँ से गायब हुई वहीं जा कर के मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा, आप थिएटर जाएंगे वहाँ 3 घंटे तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब बाहर आएंगे आप, तो पुनः वापस उसी चक्र में घूमने लगेंगे, उसी दुख में घूमने लगेंगे। इसलिए जीवन में अगर शाश्वत शांति चाहिए तो केवल और केवल भगवत चरणों से प्राप्त हो सकती है। यही वो स्थान है जहाँ पर वास्तविक शांति की प्राप्ति हो सकती है।